Hello and welcome. Hello and good morning. I'd like to welcome you all to this beautiful day that we've all really been looking forward to. Welcome you all to Umeede. I, Krishnapriya, and I, Rishi Swaraji, will be your host for the day. They say you need a lot of money to help people in need. But we in the Rotary Club of Sarthe College believe that if you have the motive and the desire to do good for the society, you can help not one, not two, but thousands of people. Wow! Look at all the beautiful faces gathered here. We can clearly see the excitement and enthusiasm all around the auditorium. Let's not make them wait anymore, right? Right, Krishnapriya? Now, we would very proudly like to call upon stage our respected chief guest for today, Mr. Arun, a founder of a self-made organization, Ashish Foundation, who used his hard-earned savings to run and establish this beautiful organization. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड उत्तर बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता यार इसने मेरे को नहीं भेजा विहार यार क्या यार कोई Can we have the video now? मैं दिव्यांग हूँ मैं दूसरे दिव्यांग का भूख समझ सकता हूँ अगर आप साथ दोगे तो हम साथ रहेंगे हमारे पास बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं कोई चल नहीं पाता है कोई बोल नहीं पाता है अगर मैं किसी से फंड्स मांग रहा हूँ तो हमारे लोग नीचे समझ के हम लोग को 10 रुपये भिखारी समझ के 10 रुपये दे देते हैं और मैं उन लोगों को तरफ पूछना चाहता हूँ जिन लोगों की पैशन की गरज है और जिन लोगों की एक रोटी की गरज है मेरा फ्रेंड का नाम था आशीष उसको कुछ बीमारी थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट था और उसकी जान बचाने के लिए मैंने बहुत सारे लोगों से भीख मांगा पर उस वक्त कोई मदद नहीं किया अगर उस वक्त कोई अगर मदद किया होता तो मेरे दोस्त की जान बच गई होती मेरा दोस्त का नाम पे आशीष फाउंडेशन है जो मैंने रजिस्टर किया और मैंने अभी तक बहुत सारे दिव्यांग लोगों को मैंने आगे बढ़ाए और कुछ लोग दिव्यांग ऐसे भी हैं जो पैर से मजबूर होते हैं उनको दवा लेने के लिए भी पैसा नहीं है खाने के लिए कुछ दवा देने के लिए पैसा नहीं और उस दर्द पे वो फांसी ले लेते हैं हमारे जो सोसाइटीज़ में जो होते हैं दिव्यांग लोगों को एक अलग तरीके से लोग देखते हैं मेरे जैसे दिव्यांग कितने लोग हैं उनका दर्द मैं समझ सकता हूँ और उनका दर्द मिटाने के लिए मैं उनका भूख मिटाना चाहता हूँ हमने अभी तक 1000 लोगों को राशन दिया पर अभी तक 1000 के ऊपर हमारे कॉन्टैक्ट में है उन लोगों को कौन राशन दिलाएगा कौन मदद करेगा अगर आप साथ दोगे तो बहुत लोगों की जान बचेगी और बहुत लोगों की भूख मिटेगी मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ हमारे दिव्यांग भाई लोगों का भूख मिटाना आपके हाथ में है Arun sir, we'd like you to come up on stage and please speak a few words. Hello. सभी को नमस्ते ये मेरा पहला स्टेज है
मुझे ये स्टूडेंट लोगों ने और उम्मीद है रोटरी क्लब असत्य कॉलेज को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये एक स्टेप दिया है मुझे कि दिव्यांग इसमें भी आगे बढ़ सकते हैं और इतने लोगों के सामने मैं बात कर रहा हूँ। आशीष फाउंडेशन जो है मेरे फ्रेंड के नाम पे मैंने रजिस्टर्ड किया था जो मेरे क्लोजली फ्रेंड है और मुझे वो एक ऐसा फ्रेंड है कि मुझे उम्मीद देता था कि लोग सोसाइटी में आगे बढ़ने के लिए कोई साथ नहीं देता था बट मेरा एक फ्रेंड था कि मुझे बहुत साथ दिया और वह जो दुनिया में नहीं था करके और उसका जो सपना था वो मैं आज पूरे दिव्यांग लोगों को भी पूरा कर रहा हूँ। और स्पेशली मैं इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, फिफ्थ फेल हूँ मैं। और हमारे एनजीओज में अभी तक 10,500 लोगों के ऊपर लॉकडाउन में हम लोगों ने एक्शन दिया था पूरे महाराष्ट्र में, हमारे वैन होते थे और प्लस मैं खुद 45 बच्चों लोगों को कंप्यूटर बेसिक कोर्स, फोटोशॉप्स, फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग ये सब मैं सिखाता हूँ। ये सब एक कमी की महसूस नहीं है, एक गॉड का गिफ्ट है मेरे लिए क्योंकि अगर मैं नॉर्मल होता तो मैं इतना अचीव नहीं कर पाता था और मैं जिस डिसेबिलिटी हूँ इतना मैं आज अचीव कर पा रहा हूँ और बिकॉज ऑफ पेरेंट्स के सपोर्ट से। क्योंकि हर एक पेरेंट्स का एक थिंकिंग होता है कि बच्चे डिसेबल्ड हो जाते हैं तो आगे कैसा बढ़ना है। मेरे माँ बाप ने मुझे जितना सपोर्ट दिया मैं आज आगे हूँ, आपके बच्चे भी आप सपोर्ट करो और वो भी अगले दिन में ये स्टेज में आ सकते हैं। थैंक यू। Stay back and speak a few words. Hello. मैं क्या बोलूं? मेरे पास words ही नहीं है। I don't have the words to speak anything at this moment. But really, what I like is from all of you, all my students as well as students, all students who are there for this program. Every time what we say, we should take something from somebody, right? We should learn something from somebody, है ना? हम ऐसा बोलते हैं कि हर एक से कुछ ना कुछ सीखो, आपको हर एक से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, जो अच्छा है वो सीखना चाहिए, right? Our Rotary Club is BMS department, okay? They are organizing very, very, very good programs. I think in the last week they have organized they have brought some doctors for the physical checkups of the students and the staff. That should be noted, right? So you can make out all the guests that how active is our BMS department and Rotary Club. Now what I was saying that हमको हर एक से कुछ ना कुछ लेना चाहिए। अभी फाउंडर जो है उन्होंने कहा कि हम डिसेबल है, हम ये कोई डिसेबल नहीं होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप लोगों के पास जो एनर्जी है, जो इनोसेंस है, जो इंथुजियाज्म है, जो मन की सुंदरता है एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे को मदद करने की, वो मेरे को नहीं लगता है सब नॉर्मल लोगों में होता है। बींग अ वाइस प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, आई एम सॉल्विंग सो मेनी प्रॉब्लम्स इन अवर कॉलेज ऑफ नॉर्मल स्टूडेंट्स ऑल्सो। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक सिर्फ एक कमी है आपको भगवान ने दी है। मैं इसके लिए भी हो सकता है क्योंकि आप कुछ अच्छा करें, कुछ आपको एक कुछ ड्यूटी भगवान ने दिया है किसी एक फील्ड में अच्छा करने का, दैट इज़ व्हाट आई फील। सो नेवर 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 थिंक दैट
यू आर डिसेबल, आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू यूज दिस वर्ड ऑल्सो, यू आर, एंड दैट इज द रीजन वाई यू पीपल आर कॉल्ड ए स्पेशल. स्पेशल कौन होता है? सो टेक द पॉजिटिव मीनिंग ऑफ दिस वर्ड स्पेशल, एंड वॉट एवर इनोसेंस we find in you, that I'm sure that we don't find in the students or any person of your age. Of course, all credit goes to your parents. I would like to appreciate your parents, because see, once they know that they have a special child, it is really very difficult to accept that. Because the big problem in their path of the life is how we should go ahead. और अपना समाज ऐसा है कि I really don't like that, अपना समाज ऐसा है, इनका बच्चा ऐसा है वैसा है, तो वो जो अपने को क्या बोलते हैं, शर्म होती है ना, वो बहुत खराब होती है. बट ऐसी शर्म नहीं करने की, don't do that. You people are upbringing a special child. ओके सो एंड वी रियली रिस्पेक्ट यू. मैं तो नहीं कर सकती थी ऐसा कुछ, राइट? सो आई फील दैट टुडेज प्रोग्राम इज विल बी यूजफुल फॉर यू, एंड ऑफकोर्स आवर स्टूडेंट्स ऑल्सो विल लर्न समथिंग फ्रॉम दिस प्रोग्राम्स, बिकॉज वेन वी हैव द प्रोग्राम्स इन अवर कॉलेज, राइट, cultural programs, Ussav we are having in Sate College, and many programs are going on. So with all these programs our normal students do, right? But now our normal student know how much, kitni mehnat unko karni padti hai uske liye, right? And for them also to make understand how to do the steps and all that, it is not that easy. But parents, I really respect you, that to your child you just give the path, okay, and you just teach them to how confidently they can face the world, okay. So I think mere paas sach mein kuch words nahi hai, but I will just say that